होगा? कब होगा नाच गाना? अरे हाँ हाँ कर रहे हैं गाना बजाना शुरू। ए छोरियो ढोल बजाओ चलो। अरे एक तो बांग्ला गाना हम भी गाएगा। हाँ हाँ पहले हमारा राजस्थानी गाना तो सुन लो। भगवान जी के सामने से मेहंदी की कटोरी ला दे। मतलब पानी कहाँ है? दिख नहीं रहा मुझे और चीखी भी नहीं। अरे बहू मेहंदी का कटोरा अट्ठे रख। छोटी दुल्हन किसी कवारी कन्या ने बुला ले, सबसे पहले उसी के हाथ पे मेहंदी लगवाएंगे। तो सबसे पहले अनन्या को ही बुलाते हैं ना। अरे हाँ हाँ आजा छोरिया। भाभी मां को मेहंदी मैं और दीदी लगाएंगे। अरे छोरियो तुम दोनों मेहंदी लगाने पे बैठ जाओगी तो नाच गाना कौन करेगा? मेहंदी की रात सब सखियों को बुलाया है, दुल्हन के जोड़े में भाभी माँ को सजाया है। ये फंक्शन तो हम तीनों की शादी के फंक्शन से ज्यादा मजेदार था। क्यों दादा? हाँ रश्मि आज तक की ये मेहंदी सबसे कमाल मेहंदी थी। सच में बहुत मजा आया सबको। अरे नंदनी अब हमको और आपको भी निकलना चाहिए। अरे शादी तक तू यहीं पर रुकने वाला था तो अचानक से इस वक्त कहाँ जा रहा है? आपके ससुराल ही तो जा रहा हूँ। अरे हाँ भूल गया मैं और नंदनी भाभी माँ के साथ रहने वाले आफ्टर ऑल हम लड़की वाले हैं। आज रात को तो भाभी माँ को वहाँ रहना है। नंदनी हमारा सामान तो आ गया है, भाभी माँ का सामान कहाँ है? अक्षरा लेकर आ रही है। लीजिए सामान भी आ गया महाराज जी, गाड़ी में रखवा दीजिए। अरे ये हो गए कावेरी। भाभी माँ क्या हुआ? भाभी माँ आप अभी क्यों रो रही हैं? विदाई तो कल है ना? इतने सालों से इस घर में रहते रहते मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेरा मायका है या ससुराल, लेकिन आज जब यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे अपनी विदाई याद आ रही है। तब बाबूजी का घर छोड़ते हुए मुझे जो दुख हुआ था वही दुख वही पीड़ा मुझे आज महसूस हो रही है। कावेरी जी हम आपके दिल की बात समझते हैं, पर मन से हर चीज वही करना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी हो। हाँ भाभी माँ आप परेशान मत होइए, रस्में तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? हाँ भाभी माँ आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। Thank you.